देखते रहिए माशरे के खामियों को और सरकारी महकमों की लापरवाहियों को। उजागर किया जा रहा है, मैं जारा शेख, क्राइम टुडे न्यूज। राजेंद्र नगर पुलिस हदूद में समीना बेगम, जो 9 नंबर किशनबाग की साकिन है, जो 1.5 साल पहले सैयद सद्दाम नामी शख्स से शादी हुई। शादी के 6 माह बाद ही उसे घर से निकाल दिया। अभी उसे बच्चा होने पर ससुराल वालों ने समीना बेगम पर बदचलनी का इल्जाम लगाकर उनका बच्चा नहीं होने का और किसी के बच्चे को हमारा बच्चा होने का कहकर हरासमेंट शुरू कर दिया। वाजे रहे कि लड़के वाले जो शादी में 1 लाख रुपए नकद और जेवर लिए थे, मजीद उसे जहेज की मांग कर रहे थे। आखिरकार तंग आकर समीना बेगम ने अपने शेरखोर बच्चे समेत खुदकशी करने का चाहा, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चके, लोगों ने बचाकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने केस रजिस्टर्ड कर मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया। नाजरीन, क्राइम टुडे न्यूज उन लोगों से पूछना चाहता है और ये सवाल करता है कि किसी दूसरे की बेटी पर जुल्म व ज्यादती जायज है? क्या उनके घर बेटियां नहीं है? मोहम्मद बिन हमीद और शहबाज अली के साथ मैं शाहिद हुसैन, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। सास ससुर शादी करके मेरे को छोड़ दी है मर्द लाके। 6 महीने घर में रख ले के शौहर ला के छोड़ के गई। 5-4 महीने के अमल पे अभी तक आके ने देखे और नए से एक इल्ज़ाम लगा रही तो गलीज है, आवारा है, बोरी बस चलन है, बोरी हर एक इल्ज़ाम लगा रही। सारी जिंदगानी में शादी करके मेरे को मैं निपना चाह रही थी, मेरे को मारने की कोशिश करी कि आपका दिल डाला थे सर ना सास ससुर सबसे मारने की कोशिश करी। आप चाह रहे क्या? हाँ, उनसे बस मेरी मदद करो, हमें गाँव वाले हैं ढंग के अंधेरे सब दिलो सिराल पना के 1 लाख ले लेके जो बोल के धमकी डाल रही हमारे को भाइयों को अब्बा को सबको धमकी डाल रही काम बुलाया वहाँ आती हूँ ना तो कुछ भी केस में अंदर डाल देती हूँ भी भाइयों को कानून से मदद सिराज खान आके धमकी दे रही हमारी मदद करो कानून से मैं मदद मांग रही हूँ। ऐसे एक इल्जाम में लगाती मेरे यहाँ वहाँ काट के फेंक डालती ना वैसे मार के फेंक डालती देती क्या भी एक इल्जाम लगाती मुझे मेरे सास ससुर प्लीज मेरी मदद करो। 1.5 साल हुआ मेरी बच्ची को तकलीफ दे रही हूँ ना, वली में के दिन भी जुल्म करे। पत्ते खान की बेटी को ऐसा हार डाल के देती हूँ ना वैसा डाल के देती हूँ बोल के बोले मेरे सामने। बोलने के बाद मैं क्या बोली, जान दो आपा क्या लगे बोल के खिरखिरी नको करो बोल के बोली मैं। बोलने के बाद क्या करे मैं बच्ची को लेके गए फुल मारे, मारने के बाद दवाखाने के पूरे पेपर आए दवाखाने का मैं इलाज करे सब जब मारे जब जब दवाखाने के लेके गई सो है मैं सब तारे खान के साथ है मेरे गमी उन्होंने मारे सो हमारे दामद फिर समदन समी छिनाड़ रांड पूरे गलीस गालियाँ देती जितना गलीस पना है उतना गालियाँ देती हूँ मैं तो मुँह से बोल नहीं सकती बहुत बहुत ये जुलमा सलाम अलैकुम। मेरा नाम फरीदा बेगम है, मैं सोशल वर्कर हूँ। ये लोग दोनों अम्मा और बेटी मेरे घर पे आए थे, ये बच्ची को बहुत सुलमा दिए ससुराल वाले और ये छोटा सा बच्चा है ना सेरेलैक्स का ना दूध का, मरने जा रहे थे तो मैं इनको रुका के यहाँ पे पुलिस स्टेशन लेके आई। पुलिस स्टेशन में मेरे भाई कंप्लेन भी दर्ज करा दी। सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज़। मुझे इजाजत दीजिए, मैं जारा शेख।